ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വി വർ ഡിസ്കസിംഗ് എ ബോട്ട് വിറ്റ് ദ നെക്ലേസ് ദി ഡയമൻ നെക്ലേസ് സോ ദാറ്റ് മാഡം ലോയിസൽ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ലോയിസൽ ബോത്ത് ആർ വെൻ ടു ഫോർ എ പാർട്ടി ആൻഡ് ദ ലോസ് ദിറ്റ് നെക്ലേസ് ഓഫ് മാഡം ഫോറസ്റ്റ് യു സോ നൗ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഗീവ് ബാക്ക് വിത്ത് എ ന്യൂ നെക്ലേസ് സെയിം എ ലൈക്ക് ദ ഓൾഡ് ഗോ അമ്മെ ദേക്ക മേഡം ലോയിസൽ മിസ്റ്റർ ലോയിസൽ ദോനോ വി ए पार्टी के लिए गया और वहाँ पे मैडम फॉरेस्ट ईयर का नेकलेस डायमंड नेकलेस लॉस्ट हो गया सो दे आर ट्राइंग टू बाय ए न्यू वन एक नया डायमंड नेकलेस लेने के लिए सोच रहा था और उसके लिए पैसे कमा रहे थे सो सेम सेम है लाइक एक डायमंड नेकलेस उन लोग देने के लिए सोच रहा था <coughs> फ्राम दैन ऑन मैडम लोईसल न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर बट शी प्लेड हर पार्ट हीरो के लिए और वो जब पैसे उन लोग मनी लेंडर्स के पास में से लिया और उसके बाद में मैंने मैडम लोयसल टूक द नेकल्लेस बैग वो नेकल्स वापस लेने के टाइम मैडम फॉर्स्ट ईयर सेट कोड लिख यू शुड हाउ रिटर्न इट्सूनर आई एम आइट है फर्स्ट ईयर को मिलने के लिए गया था तब उसने बोला कि ओ नेकलेस मुझे जल्दी चाहिए आइ नीड इट उसके बाद में मैडम फ्लोसल को गरीब लोगों का लाइफ कितना खतरनाक है वो समझ में आया बट शी प्लेड पार्ट हीरो के लिए लेकिन वो उनकी पार्ट बहुत हीरो के लिए प्ले किया द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड वो खतरनाक ह्यूज डेप्ट दैट शी हैड टू पे उनको पे करने पड़ेगा शी वुड पे इट और उसने वो पे भी किया है दे डिस दे डिसमस्ड देयर मेड और uh, उनकी घर पे मैडम uh, लुइसल की घर पे एक मेड द मेड मीन्स द पर्सन हु इज़ डूइंग हाउस होल्ड्स वो घर की कुछ काम खाना बनाना ये सब दोना वो सब चीज़ का एक मेड था उनको डिसमिस किया दे चेंज देयर लॉजिंग्स उनके जो घर वो छो, छोड़ छोड़कर एक बहुत गैरेट टे, गैरेट अंडर में आ गया सिर्फ एक रूफ है और वो रूफ के नीचे वो लोग रहने के लिए शुरू हो गया तेलीव अंडर सिंपली एक गैरेट रूफ शी केम टू नो दैट ड्रगरी ऑफ हाउस वर्क हियर ड्रगरी मीन्स हार्डशिप्स ऑफ हाउस वर्क हाउस वर्क की वो काम कितना बड़ा है वो उनकी समझ में आया

नीचे ले के जाना पड़ेगा uh, और ही एंड कैरिड अप द वाटर वो पब्लिक uh, टप में जाके पानी लेकर आना है स्टॉपिंग ईच लैंडिंग एंड कैच हर ब्रीथ एंड ड्रेस लाइक ए कॉमनर ये आम आदमी के जैसे ड्रेस पहन के uh, नीचे जाके वो पानी लेगी हर एक लैंडिंग एरिया में स्टेयर केस की हर एक लैंडिंग एरिया में स्टॉप uh, किया और वो, वो ब्रीथ वापस लिया देन अगेन ही शी क्लिम्बड देस इंसल्ट शी हेड बार्गेन द मार्केट्स हो मार्केट में जाके सब्जी लेने के लिए फ्रूट्स लेने के लिए गया तो मार्केट्स में जाके बार्गेन किया उन लोगों के साथ झगड़ा किया बहुत ज़्यादा इंसल्ट फेस किया एंड फॉर एवरी मिसरेबल सोस हो मीन्स ए कॉइन ऑफ अ फ्रेंच फ्रेंच कोइन है हर एक कोइन के लिए उसने बहुत झगड़ा किया ईच मंथ दे हाड टू पे सम लोन्स रिन्यू अधर्स गेट मोर अ टाइम और हर एक महीने में बहुत ज़्यादा लोन्स पे करने पड़ेगा वो किया कुछ लोगों को पैसे देना था वो भी किया और कुछ लोगों को और टाइम पूछा हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा उनके हस्बैंड एक्स्ट्रा काम कर रहे थे एवरी इवनिंग हर एक शाम को हर एक दिन शाम को डूइंग अकाउंट फॉर अ ट्रेड्स मैन एक ट्रेड्समैन के अकाउंट देख रहा था एंड ऑफन लेट इन टू नाइट्स और हमेशा घर पर लेट आते थे ही साइट कॉपिंग माइनस्क्रिप्ट एट फाइव सोस ए पेज हर एक पेज को पाँच रुपये पाँच सोस सोस ए सिंपल कॉइन वो भी उन लोगों कमाया एंड दिस लाइफ लास्ट टेन ईयर्स ए दस लाख दस साल उन लोगों से रहा एट द एंड ऑफ द टेन ईयर्स दे हार्ड पेड ऑफ एवरीथिंग दस साल के बाद उन लोग सब कुछ पे किया इवन द इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी उन लोग ने वापस दिया मैडम लोइसल लुकड वेरी ओल्ड नाउ मैडम लोइसल का वो ब्यूटी सब कुछ से चले गई अब वो बहुत हाँ बुढ़ा दिख रही थी ऑफन शी बहुत बो, ब्रोड ओवर द पास्ट और वो पास्ट लाइफ अब भूल गया वट कुड हैव हैपन इफ शी हार्ड नॉट लॉस द और कभी कभी याद आती वो ऐसे भी सोचते हैं अगर वो नेकलेस लॉस नहीं होता तो मेरा लाइफ कैसे रहता था हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज देखो हमारा लिए जिंदगी इतना बेकार है कभी कभी हाउ फिक वॉट ट्रेजडी वॉट लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रोइंड और सेव्ड एक छोटा इंसिडेंट एक आदमी को बहुत रोइन भी करता है और बहुत ऊपर भी लेके जाता है वन संडे आज शी वास वॉकिंग इन दैम्स इलीस सडनली शी शो मेडा फॉरेस्ट ईयर स्टिल यंग स्टिल ब्यूटीफुल एंड स्टिल चार्मिंग एक दिन शाम को वो चार्स एलिस में ऐसे वॉकिंग कर रहे थे डेट्स ए प्लेस शी वॉज वॉकिंग देर एंड शी सो मैडा फॉरेस्ट ईयर बहुत दूर में वो मैडा फॉरेस्ट ईयर को देखा और मेडाफ फॉरेस्ट ईयर बाद वेरी ब्यूटिफुल और स्टिल चामिंग मेडा लो फेल्ट इमोशनल उनको बहुत इमोशनल हो गया शुड शीज बॉय स्पीक टू हर और उसने सोचा मैं उनके साथ बात जा कर बात करूँ यस ऑफकोर्स क्यों नहीं एंड नाउ दैट शी हार्ड पेड शी वुड टेल हर वाई नॉट और अभी उनने उसने सब कुछ आ uh, दिया वापस दिया अभी क्यों बात नहीं करते शी वेंट अप टू हर गुड मॉर्निंग जेनी उनके पास जाके गुड मॉर्निंग बोला दस्ट अस्ट्रॉनिस्ट लेकिन वे मैडम फॉरेस्टर को समझ में नहीं आया बाय द कॉमन वुमेन डिड नॉट रिकगनाइज हर शिस्टे स्टैमर्ड उसने इसे स्टामर्ड ड मीन्स एंड स्ट्रेंज लुक उनको एक स्ट्रेंज लुक दिया क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर को समझ में नहीं आया बट मैडम आई डोंट नो यू मस्ट हैव मेड ए मिस्टेक और मैडम फिर मैडम फिर फॉरेस्टर ने बोला देखो आपको हाँ गलती हो गया मैं आपको पहचानते नहीं नो आई एम मेथड एलो एंड शी रिप्लेड मेल मेथड एलो हर फ्रेंड अटर डे क्राई ओ माई पुअर मेथड डे हाउ यू हैव चेंज्ड और मैंने फर्स्ट ने बोला देखो अब इत, पहले रोया और बोला देखो तुम इतना बदल गया यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई लास्ट सो यू एंड मेनी मिसरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ़ यू और मैडम लुइसिल ने बोला देखो मैं लास्ट टाइम आपको मिलने के लिए आया था और उसके बाद में मेरा जिंदगी बदल किया एंड फॉल इन टू मिसरीज में बहुत दुखित हो गया ये सब कुछ अब तुम्हारे लिए हुआ है मी हाउ कैन दैट बी मेरे लिए कैसे हो गया यू रिम्बर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी तो उसने मैडम लुइस ने, ने बोला देखो आपको याद है क्या आपने एक डायमंड नेकलेस दिया था मैं मुझे वो मिनिस्ट्री पार्टी में के, जाने जाने के लिए यस वेल वेल आई लॉस्ट इट वट यू मीन यू ब्रॉड इट बैक और मैडम फॉरेस्ट ने बोला हाँ याद है सो शी रिप्लेड ओ आई लॉस्ट इट देन मैडम फॉरस्ट अगेन अस्टोनिश्ड शी वॉन्डर्ड क्या बात कर रहे हैं तो तुमने वापस दिया था आई बोट यू बैक अनदर एक्सैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन टेन ईयर्स टू पे फॉर इट इट वॉज इट ईजी फॉर आस वी हैड ए वेरी लिटिल बट एट लास्ट इट्स ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड देखो वो लॉस्ट हो गया और नया से मेरे एक नेकलेस में आपके लिए लेके आया हूँ और उसके लिए दस साल मेरा दस साल वैसे चला गया लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म हो गया आई एम वेरी हैप्पी मैडम वो फॉरेस्ट ईयर स्टांड एक मिनट मैड ऑफ फॉरेस्ट ईयर ऐसे खड़े रहा यू से दैट यू बोट डायमंडकलेस टू रिप्लेस मी और आप बोल रहा है तुम्हें एक नया डायमंडलेस लेके आया मेरे लिए यस यू डिड नोटिस दे आपने वापस देखा नहीं क्या दे वे आर वेरी सिमिलर वो ऐसे बहुत सिमिलर दिखता है एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनसेंट प्लेशर मैड ऑफ फॉरस्ट डीपली एंड बोथ हर हैंड्स और उसके बाद में मैडम फॉरस्ट ईयर ऐसे एक छोटे स्माइल दिया और उनको बहुत प्राउड लगा और मैडम फॉर ईयर उनके पास में आकर लुइसल की हाथ पकड़ा और बोला वो माई पोअर मेथिलडे माइन वासिमिटेशन देखो तिल्ले मेरा एक डुप्लीकेट नेकलेस था इट वर्थ फाइव हंड्रेड फ्रैंक्स एट मोस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पाँच सौ फाइव हंड्रेड फ्रांस् कथा एंड यू बोट एंड ओरीजल वन फॉर मी मैं ओरिजल वरलिये लेके आया हूँ